इस वक्त सारा मुल्क इन फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करना चाह रहा है और हम सब कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनकी मदद की जा सके। तो मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज बनता है कि ये बात मैं ज़रूर शेयर करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए जो हेल्प करना चाह रहे हैं। जब अर्थक्वेक आया था 2006 के अंदर, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी पार्ट प्ले किया था वहाँ पर, और ग्रिड स्टेशन पे हमारा बालाकोट में हमारा कैंप लगा हुआ था। और अगले दिन ही सुबह जब कैंप हमने लगा लिया, अगले दिन सुबह एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनके साथ मैं एक टॉप माउंटेन पे खड़ा हुआ था जहाँ से आगे पूरा बालाकोट का रोड नज़र आता था। वो एक सिंगल रोड था जहाँ से सारी ट्रैफिक आ रही होती थी, और सारे वॉलंटियर्स, सारे लोग, औरतें, बच्चे सामान लेकर आए हुए थे, दे वॉन्ट टू हेल्प। और मैं उनसे उन साहब से ये कह रहा था, देखें पुलिस क्यों तंग कर रही है, इतनी जज्बाती हमारी कौम है और ये सब इकट्ठे हो गए हैं और हेल्प करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको याद है पीछे जब आप कल रात को यहाँ पर अपना कैंप लगा रहे थे, तो पीछे स्कूल भी है, घर भी है, वहाँ पर नीचे से लोगों के जो लोग दबे हुए थे उनकी आवाज़ें आ रही थी। उनको वैसे तो काफ़ी लोगों ने निकाल लिया था बाहर, बट कुछ बहुत बड़े बड़े स्लैब्स और वो चीज़ें पड़ी हुई थी जिसको हटाया नहीं जा सकता था, सिर्फ अर्थ मूविंग मशीन्स उनको हटा सकती थी। और वो अर्थ मूविंग मशीन्स को हेलीकॉप्टर पर लाया नहीं जा सकता था, और ये जो सिंगल रोड था वो सारा ब्लॉक हुआ हुआ था। तो पुलिस हटा रही थी कि वो हटे तो अर्थ मूविंग मशीन्स आगे आएं, ताकि जिनकी आवाज़ें अभी भी अंदर से मलबे से आ रही हैं उनको बचाया जा सके। बट वो एक दिन गुजर गया और फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गई और वो लोग ऑब्वियसली दे ऑल डाइड, बट वो अर्थ मूविंग मशीन्स नहीं पहुँच पाई, क्योंकि हम सब जज्बाती थे और हम सब आना चाह रहे थे हेल्प करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे जज्बात हैं, जो मदद करना चाहते हैं, उसको हम चैनलाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मदद करना चाह रहा है वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ कुछ ना कुछ भिजवा ना दे, थोड़ी सी मेहनत और करे। जो भी DC है उस एरिया का, NDMA, PDMA जो चारों प्रोविंसेस के हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करे, उनसे पूछे कहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत है, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, जहाँ पर टेंट्स की ज़रूरत है। ऐसा ना हो जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो वहाँ पर सब कुछ जा रहा हो। यहाँ पर राशन मैं देख रहा हूँ लोगों ने भेजा हुआ है, बट पकाने की जगह नहीं है, तो वो किचन सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पर वायरल इतना ख़तरनाक फैला हुआ है, इतनी बीमारियाँ फैल रही है, कौन सी एंटीबायोटिक्स चाहिए, कहाँ पर क्या चाहिए। आई थिंक ये अगर नहीं पता होगा और हम भेजते रहेंगे तो वो ज़ाया होगा। तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग उस इलाके के DC से, NDMA, PDMA जो प्रोविंशियल हैं, उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करके पूछें कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेशक आप खुद जाके दें, अगर उनको नहीं देना चाहते तो, अगर उनको दें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देना चाहते खुद जाकर दें, बट उनसे पूछें कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। और आई थिंक इंशाल्लाह हम सब यूनाइट होंगे और ये हालात बेहतर